नमस्कार, बीबी न्यूजीलैंड के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़, दो आतंकी हुए ढेर। अविनाश राय खन्ना को दी गई घाटी में कमल खिलाने की जिम्मेदारी, अमित शाह ने बनाया प्रभारी। बेबाकी से बोलने वाले फारूक अब्दुल्ला ने ईडी के सवालों पर साधी चुप्पी, 6 घंटे तक चली पूछताछ। अमरनाथ यात्रा पर मौसम की मार, 4 अगस्त तक स्थगित, नहीं भेजा जाएगा जम्मू से कोई भी जत्था। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में शोपिया के बदरहामा क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया था। हालांकि देर रात तक मलबे से शव नहीं मिले। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि बदरहामा इलाके में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इसी दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मारने का दावा किया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक खुफिया सूचना के आधार पर प्रशासन ने इलाके में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी हैं। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने बताया कि पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने अविनाश राय खन्ना को जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव का प्रभारी बनाया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव नवंबर में होने के आसार और बढ़ गए हैं। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में नई दिल्ली में हुई बैठक में राज्य इकाई की कोर ग्रुप के चुनाव की तैयारियों में जुट जाने के लिए कहा गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लंबी पूछताछ की है। मामला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से हुए 43 करोड़ रुपए के घोटाले का है। अब्दुल्ला से ईडी के आला अधिकारियों ने करीब 6 घंटे तक लगातार पूछताछ की है। मानसून के सक्रिय होने के साथ अमरनाथ यात्रा पर मौसम की मार पड़ी है। मौसम विभाग के अगले कुछ दिनों में जम्मू और कश्मीर में भारी बारिश की भविष्यवाणी के बाद यात्रा को 4 अगस्त तक स्थगित कर दिया गया है। आधार शिविर भगवती नगर जम्मू से बुधवार को यात्रियों के जत्थे को घाटी के लिए नहीं भेजा गया। इससे संभाग के विभिन्न हिस्सों में हजारों यात्री फंसे हुए हैं। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय जेम ऑप्टिशन एंड कॉन्टेक्ट लेंसेज, नई बस्ती जम्मू, नरेंद्रा सन एंटरप्राइजेस, रेजिडेंसी रोड जम्मू, कृष्णा डायग्नोस्टिक लैब कमिटेड टू प्रूव क्वालिटी पेशेंट केयर एंड डायग्नोसिस अंडर वन रूफ, 51/9 त्रिकुटा नगर नियर पुलिस स्टेशन, पूरी एक्सक्लूसिव वुमेन डिजाइनर सूट, साड़ीज, लहंगाज एंड ब्राइडल गाउन्स, गणेश दया नर्सिंग होम तलापतिलो रोड बिहाइंड पेट्रोल पंप पक्का गराज जम्मू, Friends Toys, visit for all kinds of toys for all age group, Sanjay Nagar, Jammu. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय सम्मेलन प्रतिमंडल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें वर्ष के अंत से पहले राज्य में विधानसभा चुनाव करवाने के लिए कहा। पार्टी के सांसद हसनैन मसूदी के साथ प्रतिमंडल का हिस्सा रहे पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को स्थिति और लोगों की आशंकाओं से अवगत करवाया। सुषमा चौहान ने जम्मू का नया उपायुक्त नियुक्त होने के बाद आज डीसी कार्यालय में अपना पदभार संभाला है। इससे पहले वह जिला सांबा की उपायुक्त रह चुकी है। सिख यूनाइटेड फ्रंट जेएनके की तरफ से प्रेस क्लब जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें फ्रंट के चेयरमैन सरदार सुदर्शन वजीर ने मीडिया को जानकारी दी कि इस बार गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश उत्सव के सिलसिले में ननकाना साहिब पाकिस्तान से आज नगर कीर्तन शुरू होगा, जो 4 अगस्त को लखनपुर से जम्मू में दाखिल होगा। इसके अलावा सुदर्शन सिंह वजीर ने मीडिया को नगर कीर्तन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। जम्मू में पिछले 3-4 दिनों से बारिश लगी हुई है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है और लोगों को उमस भरी गर्मी से काफ़ी राहत मिली है। और इस बारिश से जहां लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, वहीं ये बारिश किसानों के लिए लाभदायक सिद्ध हो रही है, क्योंकि धान लगाने के लिए उन्हें पानी की सख्त ज़रूरत है। जोड़ी अस्पताल में इलाज के दौरान एक डॉक्टर की लापरवाही के कारण 12 वर्षीय बच्चे की हुई मौत को लेकर बच्चे के अभिभावकों व लोगों ने प्रदर्शन किया और अस्पताल प्रशासन के प्रति अपना रोष जताया। लोगों का कहना था कि बच्चे को सिर्फ मधुमक्खी ने काटा था, जिसका डॉक्टरों को पता नहीं चला और गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। लोगों ने प्रशासन से आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। बार एसोसिएशन जम्मू की तरफ से आज एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता एसोसिएशन के प्रधान अभिनव शर्मा ने की। बैठक के दौरान बार के 3 इश्यूज रखे गए और उन पर विचार विमर्श किया गया और कमेटी द्वारा 35A के खिलाफ जाने वाले एडवोकेट SC गुप्ता व KD गुप्ता को एसोसिएशन से सस्पेंड कर दिया गया।
बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से 3 तलाक बिल महिलाओं के हक में पारित होने की खुशी में जम्मू में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चा के सदस्यों ने इस बिल के पास होने की खुशी मनाई और मुस्लिम महिला वर्ग को इसकी बधाई दी। इस मौके पर मोर्चा के सदस्यों का कहना था कि इस बिल के पास होने से मुस्लिम महिलाएं अब सुरक्षित हो गई हैं। पूर्व राज्य मंत्री व बीजेपी की वरिष्ठ नेता प्रिया सेठी ने आज जम्मू में मीडिया से बात करते हुए पार्लियामेंट में मुस्लिम महिलाओं के हक में 3 तलाक बिल पारित किए जाने का स्वागत किया और कहा कि यह बिल काफी देर से लटका हुआ था जो अब जाकर पारित हुआ है। उन्होंने इस खुशी में लोगों में मिठाइयां वितरित की। अपने कुछ मुद्दों को लेकर पैंथर्स पार्टी प्रमुख प्रोफेसर भीम सिंह ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्द से जल्द कराए जाने की वकालत की, साथ ही केंद्र सरकार से चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों को भी सुरक्षित किए जाने की मांग की। अनुच्छेद 35A पर बात करते हुए प्रोफेसर भीम सिंह ने कहा कि 35A का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है और वही इसका फैसला करेगी। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के अंक में बस इतना ही। कल होगी फिर से मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। जय हिंद, जय भारत।